ये बैलेंसर है, इसमें ये देखिए निशान दिखा दे रहा है सबको, ये निशान है और आपको ये देखिए ये चेन है इसकी, इस पर दो निशान होते हैं, एक यहाँ पर एक जे यहाँ पर, दो निशान होते हैं इसमें। अब इसको हम बताएंगे आपको कहाँ पर इसको सेट करके रखना है। देखिए पहले इस काम जे पहले बैरिंग खोलेंगे जे, जैसे इसमें स्पेशल बॉडी लगती है। ये देखिए इसमें स्पेशल जाली बॉडी लगती है, अब इसको खोल देंगे। 10 नंबर गोड़ी लगेगी इसमें, इसको हम खोल देंगे तो दिखाएंगे आपको। ये देखिए इन्होंने ढीला कर लिया, अब इसको खोल लें। देखिए कुछ इसमें इस टाइप का बोल्ट लगता है और जिसका बेयरिंग निकाल लिया है, सॉरी ये देखिए हमने इसका बेयरिंग निकाल लिया है। अब आपको दिखा दें जिसकी चेन, देखिए हमने बताया था आपको इस पर दो निशान होते हैं, देखिए एक यहाँ पर होता है निशान, और देखिए बैलेंसर पर भी निशान होता है। देखिए ये बैलेंसर है, इसमें ये देखिए निशान दिखा दे रहा है सबको, ये निशान है और आपको दिखा दें एक यहाँ पर, देखिए ये डॉट दिखा दे रहा है हल्का सा, ये डॉट है ना, इस पर रखना आपको दिखा, अभी इसको हम सेट करने जा रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे। इसके निशान सेट कर लिया है जी, देखिए ये देखिए आपको निशान दिखा रहा है हल्का सा, डॉट दिखा रहा है हल्का सा बहुत, ये देखिए नीचे साइड रहेगा, नीचे साइड रहेगा, और देखिए जे यहाँ पर दिखाया था आपको, और जे भी बिल्कुल जस्ट इसके सामने रहेगा, बिल्कुल सेट सैंपल पे। अब इसको हम सेट करने जा रहे हैं, देखिए बिल्कुल जस्ट इसके सामने रहेगा ये निशान, इसमें दो निशान होते हैं, देखिए जे निशान और जे निशान यहाँ भी, अगर ये छोटा एक जो निशान है वो यहाँ भी रख सकते हो, और जे बड़ा निशान हो गया, जे बड़ा निशान वो भी यहाँ पर रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है ये दोनों, लेकिन हम इसको यहाँ पर रखेंगे, जो बड़ा वाला इंसान है हम इसको यहाँ पर रखेंगे। अब इसको चढ़ाने जाने चैन को, देखिए ये निशान में डॉट बिल्कुल इसके जस्ट सामने रख लिया, जस्ट इसके जस्ट सामने है। अब इसको हम इसको जैसे लाएंगे, अब इसी तरीके से हम इसकी बेल्ट चेन चढ़ा देंगे, फिर दिखाएंगे, बन नहीं रहा कुछ अभी, दिखा निशान बिल्कुल इससे दो डॉट है इसमें ना, देखिए बस इसके सामने बिल्कुल जस्ट इसके सामने हमने रखा है, और देखिए ये डॉट निशान इसके हमने जस्ट सामने रखा है। अब इसका जे बेयरिंग लगाने जा रहे हैं, देखिए जिसमें जो प्लेन हिस्सा है वो नीचे रहेगा और जो गहरा वाला हिस्सा है वो ऊपर, ये देखिए हमने बोल्ट मिला दिया, देखिए ये ढीली क्यों है, इसका हमने एडजस्टर जो है वो लॉक करके रखा है, और इसको एडजस्टर को हम निकालेंगे फिर चेन सेट आ जाएगी। देखिए बिल्कुल जस्ट मुलू सही है अभी चेन, ये देखिए हमने निकाल दिया इसका, देखिए चेन एडजस्टर फैल गया, चेन सेट आ गई बिल्कुल, देखिए ये निशान, ये निशान बिल्कुल जस्ट इसके सामने आ गया है, और ये निशान बिल्कुल जस्ट इसके सामने आ गया है। ये देखिए हल्का सा डॉट दिख रहा है, बारीक सा डॉट होता है इस पर क्रिंक पे, वो हमने इसके सामने रखा है, जे नीचे साइड रहेगा, जे भी नीचे साइड रहेगा, जे निशान और जे निशान, जला छोटा जो निशान है वो यहाँ कर सकते हो और ये डबला निशान यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन जे निशान पे ही रहने चाहिए, गल ना दिक्कत आ जाएगी। अब देखिए इसका जो चेन सेट हो गई है,